कानपुर रेल हादसे के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और पायलट के बयान इस बात का इशारा कर रहे हैं, साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगियां डिरेल होने के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। रेल मंत्री ने लिखा है कि रेलवे ट्रैक पर कुछ रखा जिसकी वजह से ट्रेन बेपटरी हो गई, तो वहीं पायलट ने कहा है कि पटरी पर बोल्डर रखा हुआ था। अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास डिरेल हुई। ट्रेन की 22 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई। रात में 2:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि ट्रेन की स्पीड कम थी और कोई हताहत नहीं हुआ, और इसमें साजिश का एंगल अब सामने आ रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ट्रेन डिरेल हुई। अब वहां से एक रिपोर्ट। देश भर में ट्रेन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कानपुर शहर में रात को 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे रेलवे पटरी से उतर गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मौके पे जहाँ पे पूरा ये हादसा हुआ। पीछे अगर आप ये देखेंगे, साबरमती एक्सप्रेस है जो कि वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी, इसी के जो पहिए हैं वो डिरेल हो चुके हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि कैसे नीचे अगर आप इसमें नज़र डालेंगे तो जो पटरी से पहिए हैं वो कहीं ना कहीं उतर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये लोहे के जो पाइप्स हैं, ये लोहे की जो तारे हैं, ये कंक्रीट के जो अंदर थी ये उखड़ के बाहर आ चुकी हैं। इतनी तेज स्पीड नहीं थी ट्रेन की, ये बताया जा रहा है कि 500 मीटर आगे जो है वो स्टेशन है, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड धीरे थी और उसके चलते भी 22 डब्बे जो हैं वो कहीं ना कहीं डिरेल हुए हैं। तो कहीं अगर स्पीड ज़्यादा होती या स्टेशन आगे ना होता तो ये हादसा और बड़ा हो सकता था। अगर आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस तरीके से तरफ से आप देखेंगे, यहाँ पर जो ये पटरी है इस पे जो पहिए हैं ये पूरी तरीके से डिरेल हो चुके हैं। प्रशासन द्वारा यहाँ पर कई मशीन्स लगा के और मैनफोर्स लगा के इसे ठीक करवाया जा रहा है। अगर आप वहां देखेंगे तो जेसीबी की पूरी लाइन खड़ी हुई है, बुलडोजर्स मंगाए गए हैं ताकि यहां से रास्ता बनाया जा सके, राहत कार्य हो सके, लोगों को यहां से ले जाया जा सके। इस तरीके के इंतजाम जो है वो प्रशासन द्वारा किए गए हैं। बट एक ये बड़ा हादसा यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमसफर एक्सप्रेस, साबरमती, गोरखपुर एक्सप्रेस, बताया जा रहा है कि जो वाराणसी से अहमदाबाद तक जाती है उसमें ये हादसा हुआ। हालांकि कोई जान माल का नुकसान इसमें नहीं हुआ है, लोगों को सुरक्षित जो है वो रेस्क्यू किया गया है और अब अपनी अपनी जगह जो है वो भिजवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इंतज़ाम किया जा रहा है कि उनको दूसरी ट्रेनों में किसी तरीके से भेजा जाए। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा जो रेलवे ट्रैक खाली कराने का काम है वो प्रशासन कर रहा है। दूसरी लाइन को कैसे चालू कराया जाए ये इंतज़ाम किए जा रहे हैं। फिलहाल RPF को और अन्य पुलिस फोर्स को यहाँ पर मौके पर लगाया गया है ताकि पूरा जो राहत कार्य है वो ढंग से चलने पाए। लेकिन एक बड़ा सवाल, लगातार हो रहे हादसे, आखिर लगाम कब लगेगी इस पर और क्या वजह थी इस हादसे की, ये फिलहाल प्रशासन इसकी जांच कर रहा है और कुछ समय बाद इसमें अपनी रिपोर्ट क्लियर करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक। तो देखिए, साबरमती एक्सप्रेस की रफ्तार कम थी क्योंकि आगे एक स्टेशन आने वाला था और झांसी मंडल के DRM भी हादसे के बाद मौके पर पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। ये हादसा तो इसमें डेरेलमेंट भले हुआ लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें हम लोग बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। ये तो डेरेलमेंट के बाद हो ही जाता है। नहीं, ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज़ टकराने की आवाज़ आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा।